आदर्श विद्या मंदिर संस्था द्वारा संचालित श्रीमती सीबी आदर्श विद्या मंदिर हाई स्कूल एवं जूनियर कॉलेज के विद्यार्थियों को हकुडोडो फाउंडेशन जापान द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय भाषा विनिमय कार्यक्रम हेतु चयनित किया गया है। शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी आदर्श विद्या मंदिर संस्था सदैव अपने विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु प्रयत्नशील रहती है। क्रम में श्रीमती सीबी आदर्श विद्या मंदिर हाई स्कूल के विद्यार्थियों के लिए जापानी भाषा को पाठ्यक्रम में शामिल कर नई सोच का आगाज किया गया है। आदर्श विद्या मंदिर हकुडोडो फाउंडेशन द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय भाषा विनिमय में भारत का प्रतिनिधित्व करने में अत्यंत गौरवान्वित है। यह उल्लेखनीय उपलब्धि विद्यार्थियों को वैश्विक भाषा ज्ञान के संवर्धन और विविध संस्कृति की जानकारी देने हेतु मील का पत्थर है। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि अब आदर्श विद्या मंदिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसका चयन हुआ है। हमारा स्कूल पूरे देश में, भारत में से अकेला स्कूल है जो बाकी 12 स्कूल्स के साथ सेलेक्ट हुआ है जापान में लैंग्वेज एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए। हमारे 4 बच्चे लैंग्वेज एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए जापान जाएंगे, जहां पे 12 स्कूल्स के बच्चे मिलके आपस में एक दूसरे के कल्चर के बारे में 3 वीक्स इसका ये लोग लर्निंग करेंगे। ये जो लैंग्वेज एक्सचेंज प्रोग्राम है, ये 15 दिन का प्रोग्राम है और बच्चे 12 कंट्री के अपने सेम उम्र वाले बच्चों के साथ में कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम इनका होगा। 3 दिन जापानी स्कूलों में जापानी एजुकेशन सिस्टम को समझना, 3 दिन होम स्टे जापानी परिवार में जाकर रहना और 3 दिन सभी बच्चों का मिलकर एक छोटा सा कैंप, और इसके साथ में ही अपने कंट्री के कल्चर के बारे में बाकी दो अपने कंट्रीज़ को बताना और उनका कल्चर समझना, ये इस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य है। जो आदर्श विद्या मंदिर में जापानी भाषा 6 साल से पढ़ाई जा रही है, इसके बेसिस पर इस कार्यक्रम में हमारे स्कूल का चयन हुआ और जो भी 40 बच्चे जापानी भाषा पढ़ रहे हैं उनमें से एक परीक्षा लेकर हमने अच्छे 4 बच्चे ये सिलेक्ट किए हुए हैं। 4 बच्चे जो हैं संस्कृति कठाड़े, नव्या पवनीकर, निशांत नेकाने और आर्यन हेडव, ये 4 बच्चे जापान जाएंगे। आदर्श विद्या मंदिर के लिए गौरव की बात है कि हमारे बच्चे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जापान जाकर स्कूल का नाम रोशन कर रहे हैं और इससे एक नए रास्ता निकलेगा। जापान के साथ हमारा हो सकता है आगे चल के और भी एजुकेशनल एक्सचेंज के प्रोग्राम होंगे। इन बच्चों के सिलेक्शन प्रोसेस के लिए दिसंबर महीने में जापान एम्बेसी के कुछ लोग भी आके गए, उन्होंने हमारी पूरी स्कूल देखी, हमारा टीचिंग मेथड देखा, उन्होंने अप्रिशिएट किया और उन्होंने हमको बोला है कि भविष्य में आपके स्कूलों के बच्चों के साथ हम और भी इस टाइप के प्रोग्राम लेंगे जिससे भारत और जापान दोनों का साथ में सांस्कृतिक आदान प्रदान और शिक्षा में विकास किस तरह से होगा, इस पर उन्होंने हमको आश्वासन दिया है कि हम प्रयास करेंगे करके। और मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे ये बच्चे हमारे इंजीनियरिंग जाएंगे और 101% इंजीनियरिंग होने के पहले इनका किसी जापानी कंपनी में 101% सिलेक्शन होने वाला है। आदर्श विद्या मंदिर नागपुर एकमात्र स्कूल है जिसने अपने आधिकारिक पाठ्यक्रम में जापानी भाषा के पाठ्यक्रम को शुरू किया है। आदर्श विद्या मंदिर संस्था का जापानी भाषा का पाठ्यक्रम को शामिल करना विद्यार्थियों को विश्व स्तर पर सफलता के लिए तैयार करने के दृष्टिकोण को दर्शाता है। विभिन्न संस्कृतियों को सामंजस्य और आपसी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए पाली हकुडोडो फाउंडेशन ने 14वें भाषा विनिमय कार्यक्रम का आयोजन किया है जिसमें 450 आवेदक स्कूल और दुनिया भर के 12 चयनित स्कूलों के बीच चुना जाने वाला आदर्श विद्या मंदिर एकमात्र स्कूल है। इस कार्यक्रम में भाग लेने आदर्श विद्या मंदिर के 4 विद्यार्थी निशांत नेकाने, आर्थन हेडाऊ, संस्कृति कठाले और नव्या पवनीकर को अपनी प्रवीणता के आधार पर चुना गया है। फिर स्कूल में ही जब से जापानीज लैंग्वेज पढ़ाना स्टार्ट किया तब से मुझे जापानीज लैंग्वेज में इंटरेस्ट था क्योंकि मैं पहले से ही एनिमे देखती थी। उसके बाद जापानीज लैंग्वेज से कनेक्ट होने के बाद जापानीज कल्चर से कनेक्ट हुआ और देन आई फाउंड दैट इंडियन कल्चर की तरह ही जापानीज कल्चर भी काफ़ी यूनिक और ब्यूटिफुल है। और इसके दौरान हम जापानीज पढ़ने लगे, उसके बाद सडनली हमारा सिलेक्शन हुआ, सिलेक्शन प्रिपरेशन हुआ, फिर सिलेक्शन हुआ और उसके बाद बहुत अच्छा लग रहा था ये सुन के कि जापान जाने का मौका मिल रहा है क्योंकि पहले से ही एक ड्रीम था कि जापान एक एनिमे कंट्री है, उसे देखना है, वहाँ की टेक्नोलॉजीज, वहाँ का इतना रिच कल्चर, वहाँ के लोग बहुत डिफरेंट है बिकॉज इंडिया और जापान बहुत डिफरेंट है, इसलिए वहाँ पे हमेशा से ही जाने की इच्छा थी। और जब से सिलेक्शन हुआ तो जब मैंने फर्स्ट टाइम सुना कि आई गॉट सिलेक्टेड टू विजिट जापान मैं बहुत खुश हो गई, मैं एक्चुअली रोने लगी थी फर्स्ट टाइम।
और प्रिपरेशन के बारे में, इतने दिनों में 15 दिन का हमारा जो प्रोग्राम है उसके लिए हमने बहुत कुछ तैयारियाँ की है। पहले से कुछ जापनीज ग्रीटिंग सीखे हैं, जापनीज लैंग्वेज में हम लोग अच्छा बोल पाते हैं। अभी हमारे टीचर अमय पत्की सर, इन्होंने हमें काफ़ी अच्छा ट्रेन किया है जापनीज लैंग्वेज में। और होम स्टे और स्कूल विजिट के लिए पर्सनली मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मैं उनके स्कूल्स देखना चाहती हूँ, मैं उनकी लाइफस्टाइल देखना चाहती हूँ। जैसे कि मैं एक इंडियन स्टूडेंट हूँ, अपनी स्कूल देखती हूँ रोज़, अपनी लाइफस्टाइल मुझे पता है, वैसे ही मैं एक फॉरेन स्टूडेंट की लाइफस्टाइल जानने के लिए बहुत क्यूरियस हूँ। जैपनीज लैंग्वेज भी पसंद है और मैं पहले से ही एनिमे देखती हूँ, तो मुझे वो जैपनीज कल्चर बहुत पसंद है। और मेरा ड्रीम था कि मैं जापान जाऊँ, इसलिए मैंने जैपनीज लैंग्वेज सीखी। सीखने के बाद आप क्या करने वाले हो? मैं जैपनीज लैंग्वेज ही करूँगी और मुझे जापान में ही जॉब चाहिए। हमारी टीम ने इस चयन पर चयनित छात्रों परिजनों से बात की तो उन्होंने कहा कि हमें आज खुशी हो रही है। माझी मुलगी पण जपानला चाललेली आहे आणि मेन गोष्ट म्हणजे महाराष्ट्रातून जे नंबर लागला यांचा त्याचा अतिशय मला आनंद प्राप्त होत आहे। आणि या मुलांना पण आम्ही हार्दिक शुभेच्छा देतो का असं समोर वाढत राहा। आणि शाळेवाल्यांना पण जे 1.5 वर्षापासून मेहनत घेतली जे अजय सर आहे त्यांनी, त्यांना पण पुष्कळ हार्दिक शुभेच्छा। माझी मुलगी पण चालली आहे, आम्ही शाळेचं नाव घेतो, शाळेवाल्यांना परिपूर्ण हे केलं, आपल्या सपोर्ट केला, मग सरनं सर्वात जास्त सपोर्ट केला, भारतातून नंबर लागला त्याच्याबद्दल बी आपला आपण सब खुश आहोत। गेली पाहिजे चांगलं समोर वाढली पाहिजे, नाव रोशन झालं पाहिजे, शाळेच्याही नाव रोशन झालं पाहिजे, देशाच्याही नाव रोशन झालं पाहिजे, न नागपूरच्या पण झालं पाहिजे, पुन्हा इंडियाचे भारताचं झालं पाहिजे, आपली हीच अपेक्षा आहे। आदर्श विद्या मंदिर पण आपण परिपूर्ण मला बढिया वाटत आहे का, माझा मुलगा जापानला चालला आहे, मला प्राऊड फील होत आहे। आणि तयारी याची असं म्हटलं तर सगळं पॅकिंगपासून सगळं काही ओके केलेलं आहे आणि सरांना प्रोत्साहन पण दिला आणि लँग्वेज पण म्हणजे मस्त शिकून राहिले। वाटल्यास लँग्वेज बी मस्त बोलतो, पण याच्यामध्ये कसं आहे इंग्लिशपासून तर जॅपनीज लँग्वेज बढिया ट्रेन झालेलं आहे। अंतर्राष्ट्रीय भाषा विनिमय कार्यक्रम 8 मई से 21 मई तक टोक्यो जापान में किया जाएगा। आदर्श विद्या मंदिर के विद्यार्थी इस विश्व स्तरीय भाषा विनिमय और सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम में 3 दिन के लिए जापान में मेजबान स्कूल में भाग लेंगे, जापानी शिक्षा प्रणाली के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, 3 दिनों के लिए एक जापानी परिवार में रहेंगे, टोक्यो और उसके आसपास के स्थानों का दौरा करेंगे और नृत्य एवं प्रस्तुति के माध्यम से भारतीय संस्कृति का प्रदर्शन करेंगे। इस दौरान एक विचार मंथन सत्र भी आयोजित किया जाएगा जिसमें सभी 12 देशों के विद्यार्थी विश्व खाद्य की समस्याओं और उनके समाधानों पर चर्चा करेंगे। हकुडोडो फाउंडेशन जापान के भाषा विनिमय कार्यक्रम के लिए आदर्श विद्या मंदिर संस्था के विद्यार्थियों का चयन संस्था का विद्यार्थियों के प्रति अटूट समर्पण का प्रमाण है, जो विद्यार्थियों को विश्व स्तर तक दृष्टिकोण को समृद्ध बनाता है। कैमरा पर्सन अजित कुंवर के साथ अभिषेक पानसी की रिपोर्ट।